दोस्तों, जब भी हम किसी बड़ी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो उस कंपनी में परचेज वाउचर, सेल वाउचर, पेमेंट और शिफ्ट वाउचर और बैंकिंग वाउचर के साथ साथ एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर का भी जिक्र जरूर होता है। तो दोस्तों, ये डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर किस कंडीशन में इशू किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं और इसकी प्रैक्टिकल एंट्री टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से होती है, तो ये सब कुछ आज हम बिजनेस के रियल वाउचर्स के साथ 100% प्रैक्टिकली रूप से सीखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट अकाउंटिंग आर्सेनल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिकल वीडियो। दोस्तों, हमारे पास सभी तरीके के क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए। तो लेकिन हमें एंट्री करने से पहले हम बात करेंगे कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट किस कंडीशन में इशू किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट नोट के बारे में। तो दोस्तों, क्रेडिट नोट इशू करने का पहला जो रीजन होता है वो होता है सेल रिटर्न का। सेल रिटर्न मीन्स यानी कि जब हम हमारे कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और वो प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ जाता है, कस्टमर हमें वापस रिटर्न कर जाता है, तो उस कंडीशन में हमें सेल रिटर्न का वाउचर बना के देना पड़ता है कस्टमर को, जिसे हम क्रेडिट नोट बोलते हैं। सेकेंड जो रीजन होता है क्रेडिट नोट इशू करने का वो होता है रेट डिफरेंस का। रेट डिफरेंस का मीन्स यानी कि जैसे हमने किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट है वो हमने सपोज करो भी 100 रुपीज में उसको सेल कर दिया, लेकिन बाद में हमें पता चला भी वो हमें 80 रुपये में ही उसको सेल करना था। जो डिफरेंस था 20 रुपये, जो कि हमने पहले सेल इनवॉइस में ज़्यादा ले लिए थे, उसका जो एडजस्टमेंट करना वो हमें रेट डिफरेंस का क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। और 3 नंबर क्रेडिट नोट इशू करने का कारण होता है एडजस्टमेंट का, यानी कि हम हमारे कस्टमर को या हमारे बायर्स को कोई किसी भी टाइप की कोई इंसेंटिव हमें देना पड़े या कोई कमीशन हमें देना पड़े या इंटरेस्ट हमें देना पड़े, तो उसके लिए भी हमें क्रेडिट नोट वाउचर इशू करना पड़ता है। तो दोस्तों, इन सभी को हम बारी बारी से प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे। तो दोस्तों, ये 3 रीजन होते हैं क्रेडिट नोट वाउचर इशू करने के, और ये 3 रीजन होते हैं डेबिट नोट वाउचर इशू करने के। यानी कि पहला रीजन होता है डेबिट नोट इशू करने का परचेज रिटर्न का। जब हम हमारे सप्लायर से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और किसी कारण वो कुछ प्रोडक्ट हमें कंपनी को वापस आकर रिटर्न करना पड़े हमारे सप्लायर्स को, तो हम हमारी तरफ से यानी कि हमारी कंपनी की तरफ से हम परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट वाउचर इशू करते हैं। और सेकेंड रीजन होता है डेबिट नोट इशू करने का रेट डिफरेंस का। तो दोस्तों, ये रेट डिफरेंस हमारी तरफ से होता है, यानी कि जब हम हमारे कस्टमर को किसी कारणवश, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमने उसको 100 रुपये का सेल किया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो प्रोडक्ट हमें उसे 120 रुपये में सेल करना था, यानी कि 20 रुपये हमने उसे कम लिए हैं, तो उसका जो एडजस्टमेंट है वो हम इसे डेबिट नोट वाउचर के थ्रू एडजस्टमेंट करते हैं। और यही 3 नंबर डेबिट नोट इश्यू करने का कारण, जैसे हम हमारे कस्टमर से कोई इंटरेस्ट हमें लेना हो, कोई पेनल्टी उसे लेनी हो, तब भी हमें हमारे कस्टमर को हम डेबिट नोट इशू करते हैं। तो दोस्तों, ये 3 रीजन ही होते हैं डेबिट नोट इशू करने के और 3 रीजन ही होते हैं क्रेडिट नोट इशू करने के। तो दोस्तों, ये परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की वाउचर की एंट्री प्रैक्टिकल तरीके से टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार करी जाती है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो जस्ट इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था, जो टेली प्राइम की हमारी जो सीरीज चल रही है, हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री कैसे करें, ये हमारा थंबनेल है, और यही हमने इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री प्रैक्टिकल तरीके से कैसे करी जाती है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही हो परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न वाउचर की एंट्री करते वक्त, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट डिफरेंस और एडजस्टमेंट का डेबिट नोट और क्रेडिट नोट किस कंडीशन में इश्यू किया जाता है। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारी टेली सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर। दोस्तों, हमने यहाँ पे स्मार्ट इंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है और इसी कंपनी में हमने एक सेल वाउचर इशू किया हुआ है। ये दोस्तों वही सेल वाउचर है जो हमारे पास ये आ रहा है,
यानी कि स्मार्ट एंटरप्राइजेज ने 31/12/2020 को बालाजी एंटरप्राइजेज को इस इनवॉइस के थ्रू ये कुछ प्रोडक्ट सेल किए थे, जिसमें सीगेट हार्डिक्स 1TB 4 पीस थे और HP कीबोर्ड के 2 पीस थे, और ये इनके नेट रेट और टैक्सेबल रेट वगैरह ये इसका नेट अमाउंट बना था 14,700 रुपये का, और यही एंट्री हमने इस टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करके रखी हुई है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अगर इसी इनवॉइस के अगेंस्ट हमें कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करना पड़े तो किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट हम लेंगे टैक्सेबल वाला। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये वाउचर भी हमारे सामने एक क्रेडिट नोट वाउचर है, स्मार्ट एंटरप्राइजेस के द्वारा इशू किया गया है, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को इशू किया गया है, और 50 रुपये का ये क्रेडिट नोट है। और एक क्रेडिट नोट हमारे पास ये भी है, इसके ऊपर भी हेडिंग पर भी क्रेडिट नोट लिखा हुआ है, स्मार्ट एंटरप्राइजेस के द्वारा इशू किया गया है, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को भी इशू किया गया है, और इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे GST का कुछ ट्रीटमेंट भी हुआ है। लेकिन इससे पहले जो वाउचर था, ये 2 नंबर वाउचर, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन 50 रुपये की अमाउंट जरूर आपको शो हो रही है। तो इन दोनों वाउचरों में क्या डिफरेंस है, आज इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रेडिट नोट जो 1 नंबर इशू किया गया है। तो दोस्तों ये किस कंडीशन में इशू किया जाता है, ये टैक्सेबल क्रेडिट नोट हम इसे बोलते हैं, और ये जो क्रेडिट नोट है ये हमारा एग्जाम्प्ट, यानी कि इसमें कोई GST का ट्रीटमेंट नहीं है। तो दोनों वाउचर की एंट्री करना हम सीख रहे हैं। तो दोस्तों इस टाइप का जो क्रेडिट नोट होता है, जहां पर आपको इस तरीके का कोई GST इनवॉइस नंबर, डेट, HSN कोड या यूनिट इस टाइप के अगर आपको मिले, तो आपको इस वाउचर को किस तरीके से समझना है। तो दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड्स के दिमाग में ये भी रहते हैं भी क्रेडिट नोट तो केवल सेल रिटर्न की कंडीशन में ही इशू किया जाता है, और उसके अलावा कोई सेल रिटर्न क्रेडिट नोट कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेल रिटर्न भी एक क्रेडिट नोट वाउचर है, और एडजस्टमेंट के जो होते हैं वो भी क्रेडिट नोट वाउचर ही इशू किए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। तो दोस्तों इसके अंदर ये हुआ भी हार्ड डिस्क मिनरेशन आप देख रहे हो भी हार्ड डिस्क 1TB पर पीस 50 रुपये एक्सेस रेट, यानी कि इस क्रेडिट नोट के अनुसार हमने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को हार्ड डिस्क 1TB को प्रोडक्ट हमने सेल किया था, और उसमें हमने 50 रुपये पर पीस के हिसाब से ज्यादा रेट ले लिया था। अब हम देखेंगे हमने किस रेट से सेल किया था। तो दोस्तों ये देख रहे हो हमने सीगेट हार्ड डिस्क 1TB हमने सेल करी थी, 4 पीसेस को सेल किया था, और जो रेट है इसका 3400 रुपये नेट रेट लिया था, यानी कि इसमें GST इंक्लूड है। तो यानी कि 4 पीस और इसका जो रेट आ रहा है हमारे पास, इसका जो नरेशन आ रहा है, इस नरेशन के अनुसार हो गया कि 50 रुपये हमने पर पीस के अनुसार ज़्यादा ले लिए थे। तो इसका मतलब 4 पीस हमने क्वांटिटी सेल करी थी, और 50 रुपये के हिसाब से 200 रुपये हमने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी से एज पर इनवॉइस ज़्यादा ले लिए थे। लेकिन अब हमें इनवॉइस के अंदर किसी भी टाइप की कोई चेंजिंग हम कर नहीं सकते, क्योंकि एक बार सेल बार इश्यू हो जाता है तो बाद में उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के थ्रू ही होता है। तो इसका मतलब ये कस्टमर से हमने 200 रुपये ज्यादा ले लिए थे, तो अब हमने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के ये 200 रुपये हमें क्रेडिट करने पड़ेंगे। लेकिन ये टैक्सेबल इश्यू, टैक्सेबल क्रेडिट नोट क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हमने सेल किया था ये टैक्सेबल ही प्रोडक्ट था, यानी कि इस पर 18% की GST वाला ये प्रोडक्ट था, और इसीलिए इसके ऊपर हमने GST का ट्रीटमेंट यहां पर किया हुआ है। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे यानी कि गेटवे टेली होम पेज पे, और उसके बाद हम जाएंगे वाउचर्स पर, और वाउचर पे जाने के बाद अब हमें एंट्री करनी है क्रेडिट नोट में। तो क्रेडिट नोट की जो कमांड होती है शॉर्टकट, आप देख रहे हो यहां पर Ctrl+Alt+F6 के साथ क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट नोट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वाउचर आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट नोट का, और वाउचर नंबर का है 1, और किसे इश्यू करना है। तो आप देख रहे हो अब यहाँ पर जो क्रेडिट नोट आ रहा है वो एज ए इनवॉइस मोड में आ रहा है, लेकिन हमें जो क्रेडिट नोट की जो शो चाहिए वो चाहिए वाउचर मोड में। तो इसके लिए हम जाएंगे वापस यहाँ पर चेंज मोड पे, और चेंज मोड पे जाने के बाद हम करेंगे इसे एज ए वाउचर। आपको इसमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग, एज वाउचर। तो हम एज वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, और 2 यानी कि हम बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 200 रुपये से, और उसके बाद में ये रिसिप्ट की डिटेल आएगी। हमें रिसिप्ट डिटेल में एक बार कुछ भी नहीं करना, लेकिन हमें ओरिजिनल इनवॉइस की जो डिटेल ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमें टाइप करना पड़ेगा, वो हमें
क्रेडिट नोट में देख के यानी कि इसका इनवॉइस हमने इशू किया था SC001 जो सेल इनवॉइस हमने इशू किया था, तो SE001 और उसकी डेट थी 31 दिसंबर 2020। तो 200 रुपये से हम क्रेडिट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, यानी कि इसी अगेंस्ट के हमने कस्टमर से 200 रुपये ज़्यादा लिए थे, तो इसी अगेंस्ट इनवॉइस के अगेंस्ट हम क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद अब हमारा ये जो ट्रीटमेंट है वो सेल के अगेंस्ट हो रहा है, यानी कि हमने हमारी जो सेल हमने 200 रुपये से ज़्यादा करी थी, अब सेल हमें 200 रुपये से कम करनी है। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर पार्ट सेल्स जो GST 18% सेल का जो लेजर हमने क्रिएट कर रखा है वो उसी को हम यहाँ पर करेंगे वापस डेबिट, और इसकी जो वैल्यू यहाँ पर हम लिखने वाले हैं वो वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है वो, यानी कि 169.49, तो 169.49। और उसके बाद में CGST टैक्स, तो CGST टैक्स जितना इस पर आ रहा है 15 रुपये और 25 पैसे, तो 15 रुपये 25 पैसे और CGST टैक्स। तो अब हमें यहाँ पर 169 पॉइंट, इसको पूरा राउंड फिगर हम कर देंगे 169.50, ताकि SGT और CGST की जो अमाउंट है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी एंट्री हम करेंगे इस प्रकार से, और एंटर प्रेस करते इस वाउचर को हम करेंगे सेव। तो दोस्तों इस टाइप से जो ये टैक्सेबल क्रेडिट नोट होता है उसकी ही एंट्री हम करते हैं। और हमें इसी टाइप का अगर कोई क्रेडिट नोट इशू हमने कस्टमर को किया है लेकिन इस पे GST का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसका रीज़न क्या है इशू करने का, कारण ये होता है भी टारगेट अचीव ऑफ हार्डिक्स 1 TB, यानी कि इस कस्टमर ने हमारा जो भी प्रोडक्ट हम इसको सेल करते हैं इसने हमारे टारगेट को अचीव किया है, इसका एक तरीके से ये 50 रुपये का इंसेंटिव बन गया बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का, तो इसके अगेंस्ट में हमें इसे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है, लेकिन इस पर कोई किसी भी टाइप का GST का ट्रीटमेंट नहीं होगा। और इसकी एंट्री अब हम चाहें तो क्रेडिट नोट वाउचर में भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसकी एंट्री जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई GST पे इफेक्ट आने वाला नहीं है, तो हम क्रेडिट नोट भी एंट्री कर सकते हैं। वाउचर नंबर 2 रहेगा बालाजी को, हम वापिस करेंगे क्रेडिट, और अब हमें किसी सेल के इन्वेस्ट के हमें ये कोई क्रेडिट नोट इशू नहीं किया, तो हम इस ऑप्शन को रखेंगे खाली, तो 50 रुपये करेंगे क्रेडिट अगेंस्ट रेफरेंस, वही इनवॉइस नंबर देंगे। और अब हमें यहाँ पर एक अलग से लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, और उस लेज़र का नाम हम रख देंगे यहाँ पर टारगेट स्कीम, इंसेंटिव या कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे Alt+C से शॉर्टकट यहाँ से लेज़र क्रिएट करेंगे, और मैं यहाँ पे लेज़र बना रहा हूँ टारगेट स्कीम एक्सपेंसेस पेड, क्योंकि ये स्मार्ट इंटरप्राइजेज की बुक्स में एक तरीके का खर्चा है, और हम इसे रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और GST इस पर किसी प्रकार की हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे, और सेव करते हुए 50 रुपये को डेबिट करेंगे, और इसका नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे भी टारगेट अचीव ऑफ हार्ड डिस्क, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए हार्ड डिस्क यहाँ पर लिया हुआ है, और इस वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों एक हमारे पास वाउचर आएगा ये डेबिट नोट का, और इस डेबिट नोट को भी स्मार्ट इंटरप्राइजेज ने ही इशू किया है और बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को ही इशू किया है, और इस डेबिट नोट में भी आप देख रहे हो ये GST का ट्रीटमेंट हुआ है। अब ये भी एक तरीके का रेट डिफरेंस है। तो दोस्तों ये रेट डिफरेंस होने का कारण क्या है, आप नरेशन यहाँ पर देख सकते हो उसका भी, Seagate हार्ड डिस्क 1 TB 100 रुपये पर पीस शॉर्ट, यानी कि हमने एज पर इनवॉइस इस पार्टी से को हार्ड डिस्क के 4 पीस हमने सेल किए थे और 100 रुपये पर पीस के अनुसार हमने कम लिए हैं, तो यानी कि 400 रुपये हमने इनवॉइस के अनुसार इसे कम ले लिए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसका रेट हमने 3400 रुपये पर पीस का लगाया था, जबकि 3500 रुपये पर पीस का लगना चाहिए था, लेकिन अब हमें इसका जो ट्रीटमेंट है वो डेबिट नोट के थ्रू करना पड़ेगा। तो हमने स्मार्ट इंटरप्राइजेज ने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को ये 400 रुपये का डेबिट नोट इशू कर दिया। तो अब इसकी एंट्री हम टैली में किस तरीके से करेंगे, इसी की एंट्री हम वापस करेंगे डेबिट नोट वाउचर में, और हम डेबिट नोट वाउचर पे जाएंगे और इसको ही हम वाउचर मोड पे रखेंगे, तो डेबिट नोट नंबर 1 रहेगा और डेबिट हम करेंगे बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को,
और वापिस अब यहां पर हमें इसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी देना पड़ेगा भी ये जो डेबिट नोट है कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट हमने इशू किया है, तो SC001 और 31/12 इसकी डेट है। तो इसको 400 रुपये से हम इसको करेंगे डेबिट। और अब यहां पर हमें यहां पर न्यू रेफरेंस इसका बनाना पड़ेगा और उसके बाद में क्रेडिट हम करेंगे हमारी सेल को ही, क्योंकि ये जो सेल है हमने इस इनवॉइस में पहले कम लगा दी थी, अब हमें सेल है जो हमारी इंक्रीज करनी है। तो हमने जो कंप्यूटर पार्ट सेल्स GST 18% के नाम से लेजर क्रिएट करके रखा हुआ है, तो दोस्तों ये अंडर में रखा हुआ है सेल काउंट के, तो हम रखेंगे और यहां पर इसकी हम वैल्यू डालेंगे टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू इसकी है 338 रुपये और 98 पैसे, तो 338 रुपये और 98 पैसे। तो इस तरीके से CGST टैक्स भी हम क्रेडिट करना पड़ेगा, वो टैक्स रहेगा 30 रुपये और 51 पैसे, तो 30 रुपये 51 पैसे। और इसके बाद SGST टैक्स है इसका 30 रुपये 51 पैसे। और इस वाउचर को भी हम इसका नरेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं भी 100 रुपये का जो डिफरेंस है वो हमने पूरा किया है भी डिफरेंस ऑफ हार्ड डिस्क 1 TB, इंटरप्रेस करके इस वाउचर को हम करेंगे सेव। तो दोस्तों इस तरीके से टैक्सेबल क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर की एंट्री हम करते हैं, और जो एग्जम्प्ट होते हैं जिसपे किसी भी टाइप का GST का ट्रीटमेंट नहीं होता वो हम चाहे तो जर्नल वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों अब एक बार हम देखेंगे बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के लेजर का स्टेटमेंट भी उनमें उन एंट्रियों का क्या इफेक्ट आया है। तो इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद हम जाएंगे डिस्प्ले पर और उसके बाद में अकाउंट्स बुक पर और लेजर, और यहाँ से अब लेजर हम सेलेक्ट करेंगे बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का। तो आप देख रहे हो बालाजी ट्रेडिंग कंपनी में ये सारी ट्रांजेक्शन हुई है। तो दोस्तों ये तो था पहला इनवॉइस जो हमने SC001 के नाम से कस्टमर को सेल किया था, ये सेल वाउचर है। और उसके बाद में ये 200 रुपये का क्रेडिट नोट जो टैक्सेबल क्रेडिट नोट था, तो हमें इसके पार्टी के क्रेडिट करेंगे तो इसके पार्टी के क्रेडिट होंगे। उसके बाद में ये भी 50 रुपये वाला भी क्रेडिट नोट की एंट्री हमने करी थी, ये 50 रुपये भी बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के क्रेडिट होंगे। और ये 400 रुपये की डेबिट नोट की एंट्री हमने करी है, तो ये डेबिट नोट ये पार्टी के खाते में डेबिट रहेगा। तो दोस्तों इसका इफेक्ट हमारी सेल पे क्या आएगा वो भी हम एक बार इसे देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली पे और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पर, और हम Alt+F1 के साथ इसकी डिटेल ओपन करेंगे। तो दोस्तों अब आप यहां पर देख रहे हो जो हमारी नेट जो टर्नओवर है वो 12,627 रुपये और 10 पैसे है, लेकिन ये 12,610 कितने हैं, लेकिन अब इनवॉइस अगर हम देखें तो इनवॉइस के अकॉर्डिंग ये हमारी 12,457 रुपये और 63 पैसे की होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें हमने कुछ क्रेडिट नोट की एंट्री भी करी है और डेबिट नोट की भी एंट्री करी है, तो वो भी हम देखेंगे। और हम इस लेजर पर इंटरप्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो 12,457 रुपये 62 पैसे की एंट्री इसी सेल के अकाउंट हमारे पास आ गई 12,457 रुपये 63 पैसे। तो ये तो ट्रांजेक्शन इस वाउचर से होगी, और ये 169 रुपये जो हमने क्रेडिट नोट इशू किया था हमारी सेल इससे कम होनी थी, तो वो सेल के खाते में डेबिट होगी। और ये 338 रुपये 98 पैसे जिसे कि हमारे कस्टमर से हमने कम पैसे दिए थे, हमारी सेल जो कम गई थी तो उसी से हमने डेबिट नोट के थ्रू हमारी सेल को इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट होने के बाद हमारी जो नेट इफेक्ट आएगा सेल पे वो 12,627 रुपये 10 पैसे रह गया। तो दोस्तों ये था क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का एक्सप्लेन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।